वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते का ऑयल स्टॉक मौजूद है और पाकिस्तान गवर्नमेंट अब चाह रही है कि रशिया से ऑयल लिया जाए, लेकिन उन कंडीशंस पर ऑयल लिया जाए जिन कंडीशन पर इंडिया और रशिया की ऑयल डील होती है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या अब रशिया हमें ऑयल देगा और वो भी उन कंडीशंस पर जिन पर इंडिया को दे रहा है। इंडिया ने मुश्किल वक्त में रशिया के साथ डील की, लेकिन पाकिस्तान तब नहीं कर पाया। पाकिस्तान की पब्लिक इस सारी कंडीशन में क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्बास। आपका नाम? जुहेब। जुहेब, क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त, टीचर हैं। टॉपिक मेरा ये है कि अगर बात कीजिए, पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल क्राइसिस आया, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, अब फिर फूड क्राइसिस, और अब कहा यह जा रहा है कि अगर फ्यूल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो 2 हफ्ते का स्टॉक पाकिस्तान में बचा है। पाकिस्तान कॉपी करना चाह रहा है इंडिया को, रशिया के साथ जैसे उन्होंने डील की डिस्काउंट पर, वैसे ही कॉपी करना चाह रहा है। आपको लगता है कि अब रशिया हमारे साथ डिस्काउंट पर डील करेगा? देखें जी, रशिया से ऑयल के हवाले से जी एक वक्त था जब हम रशिया से मुख्तलिफ डील्स कर रहे थे, लेकिन वो हमारे सियासतदानों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं हम। अब वही सूरत हाल है कि वो डील करना चाहते हैं, अब रशिया देखते हैं। मैंने रशिया का जहन तो नहीं पढ़ा, लेकिन रशिया हमारे बता देता हूँ में से है, आपको बता देता हूँ। रशिया ने ये बोला है कि अब हम ऑलरेडी जिन जिन के साथ हमारी डील्स चल रही हैं, जिन कंट्रीज के साथ, उनको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद अगर बचा वो भी हम आपको उस रेट पर देंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, आप डिस्काउंट वो नहीं देना चाहते। देखें जी, अब स्टेक साफ ज़ाहिर है, मुल्कों के साथ कोई दोस्ती तो होती नहीं जिस तरह ह्यूमन सतह पर होती है। तो जिस तरह से अभी स्टेट्स को डील किया जाता है उसी तरह से डील होगा, और वैसे भी जिस सतह पे अब हमारा मुल्क पहुंच गया है, वो पंजाबी में कहते हैं मारी ते उलारी इको हुंदी है। अगर ये कहा जा रहा है ना कि 2 हफ्ते का स्टॉक है, तो इसका मतलब है हमारे पास कख नहीं बचा, हमें शर्म करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, एक टाइम था कि जब रशिया खुद बोल रहा था, जो कि हमें मीडिया पे बताया गया कि रशिया ने बोला है, ऑफर दिया है कि 30% डिस्काउंट पे आपको ऑयल देंगे, 30-40, वो टाइम पे हमने नहीं लिया। पाबंदी तो इंडिया पे भी लगी थी, आपको अगर पता हो, इंडिया ने अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई इंडिया पे, लेकिन उन्होंने ऑयल लिया, हमने क्यों नहीं लिया? यार पता नहीं, इसके पीछे कई मकासद हो सकते हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने ऑयल ले लिया सैंक्शंस के बावजूद इंडिया वालों ने, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जो है ना वो खुशिया बरदार कौम है, हमें जो अमेरिका है ना वो अपनी उंगली पे नचाता है, एक वक्त पे हम उसकी मानते हैं, लेकिन जब हमारे पास कख नहीं बचता तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं रशिया की तरफ कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ, जब इमरान खान मुआहदे कर रहा था तो हमारे सियासतदानों को बहुत बुरा लगा कि ये इमरान खान रशिया के साथ क्यों लग रहा है, क्योंकि सियासतदान सारे के सारे अमेरिका की उंगली पर नाच रहे थे। अब जब इनकी जान को पड़ी है तो अब ये उस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब साफ जाहिर है पहली प्रायोरिटी ये तो नहीं हो सकता। हमारे अक्सर ये कहा जाता है, देखा जाता है कि इंडिया को हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में इंटरनेशनल फॉर्म पे हम उन्हें डिग्रेड करते हैं, या उन्हें जो है ना उनका नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, लेकिन अब दुनिया देख रही है जैसे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी। इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया से सीखो पॉलिसीज़ के हवाले से, हमें पहले क्यों नहीं था सीख लेना चाहिए? और क्या अब आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया से सीखेंगे? बिल्कुल भी, हमारे पॉलिटिशियंस क्या, हमारी आवाम भी कभी नहीं सीख सकती। जिस सतह पे हम तहजीबी सतह पे, अखलाकी सतह पे, सियासी सतह पे, मजहबी सतह पे हम इतने जवाल शुदा हैं कि अब किसी सतह पे भी कोई बेहतरी का इम्कान ही नहीं है। फिलहाल इसका एक ही है, फ़र्क क्या है कि मतलब उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ में, और उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक में। देखें, गवर्नमेंट भी पब्लिक बनाती है ना। हाँ जी, देखें जी, इंडिया के लोग जो है ना वो उस तरह ज़हनी तौर पे कभी भी ग़ुलाम नहीं रहे जिस तरह हम शुरू से थे। ख़ास तौर तो ये हम तो ये कहते हैं हमने इतने 100 साल हुकूमत की, हमने ये किया, तो आप कह रहे हैं गुलाम। देखें जी, बात ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की होती है, सबसे ज़्यादा ग़ुलामी भी उसी के अंदर पनप रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो शौक़ होता है ना हुकूमत करने का,
वो किसी ना किसी तरह एग्रेशन का शिकार हो जाती है वो कौम, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की होती है। जो सप्रेस हो रहे होते हैं वो हमेशा सप्रेस होते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप को बेहतर करते हैं। हमारे अंदर जो वो खुन्नास भरा हुआ है ना कि हम हुक्मरान कौम है, ये सबसे बेहतर हमारे जी, ये सबसे बेहतर जो खुन्नास है ना हमारे अंदर, ये हमारे जवाल का सबसे बड़ा सबब यही है। पब्लिक में क्या डिफरेंस है उनकी और हमारी? देखें जी, उनकी पब्लिक के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ, उनके पंजाब में कॉम्प्लेक्स बहुत कम है। मतलब उनके लोग प्यालियों में चाय पी लेते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना उनको कप चाहिए। तो ये लोग और उनकी यूनिवर्सिटी में पंजाबी बोली जाती है। जी, पंजाबी बोली जाती है और वहाँ पर पंजाबी को प्रमोट किया जाए। यहाँ पर तो पंजाबी का नाम लें तो आपको जाहिल कहेंगे, हालाँकि ज़ुबान की बुनियाद पर कौन जाहिल होता है। ज़ुबान चाहे सराइकी हो चाहे सिंधी हो, ज़ुबान हज़ारों साल पुरानी ज़ुबान है। उर्दू की माँ है पंजाबी। उर्दू पंजाबी में से मौलाना अख्तर शेरानी का ये थीसिस है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाबी से उर्दू निकली है। तो ये आप जाहिल कहेंगे कौमों को, एक दूसरे को जाहिल कहेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा, मजहबी इंतहा पसंदी होगी। ज़ुबान की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा आपको, और कुछ भी नहीं होगा। क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? अल्लाह ना करे अगर रशिया हमारे साथ डील नहीं करता, पैसे हमारे पास है नहीं, आपको पता है, तो फिर क्या आगे फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें जी, पैसे हमारे पास होते भी तो इन हुक्मरानों ने नहीं छोड़ने थे। अभी ये कौम से ले लेना पैसे के, कौम इनको चंदा दे दे, ये लोग रशिया से डील कर लें, उसके बाद डील करने के बाद ये उसको बेचेंगे। बेचने पे भी तो ट्रैवल अलाउंस लगता है। आपने तेल एक जगह से लिया है तो आपने तेल मुख्तलिफ जगह पे पहुंचाना भी है उसको, इस्लामाबाद में नहीं बेचना आपने। तो आप बेचेंगे कैसे, पहुंचाएंगे कैसे आवाम तक वो सारा कुछ, जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे? और आवाम के सारे इदारे आप पहले प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो आपके पास तो कख भी नहीं बचा। तो ये हिदायत नहीं आ सकती है पाकिस्तान जो है अब इसको। ऐसे तो ना कहें, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आप अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये हम सब यूथ बैठे हैं, देखें हम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फॉल्ट भी है, लेकिन अब शायद हमारा टाइम है, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। ऐसे मायूसी दिखाएंगे तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। मेरी और आपकी या ये यूथ की क्या जिम्मेदारी है? ये इंतहाई वो तकरीरों वाली बात है, जैसे लोग तकरीरों में कहते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका मतलब हम मायूसी अख्तियार करें। मायूसी के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है आपके पास, आप बताएं क्या रास्ता है। क्या कि अपने हक के लिए निकलें और अपनी जो हमारी गलतियां हैं उनको हम बेहतर करें। हक के लिए ये कौम निकल ही नहीं सकती। आप देखें पेट्रोल 250 में पहुंच जाए, पेट्रोल कहाँ 70 रुपये भी बिकता रहा है, तो हक के लिए अब तक निकलना होता तो निकल चुके होते हक के लिए। वो हसन निसार बिल्कुल ठीक कहता है, वो कहता है ये कौम सुधर ही नहीं सकती, इन्होंने एक दफ़ा मरना है मिटना है, उसके बाद कुछ बनेगा तो बनेगा। वो जैसे एक परिंदा होता है ना कुकनेस, वो अपनी राख में से पैदा होता है। अल्लाह करें हम अपनी राख में से भी पैदा हो जाएँ, इससे ज़्यादा बुरी हालात हमारे कभी भी नहीं थे और हो भी नहीं सकते। अब मायूस ही हैं। मुझे तो कम से कम कोई ना अपनी यूथ से उम्मीद है, अपने आप से भी कोई उम्मीद नहीं है जिस सदा पे हम बैठे हुए हैं। इनकी जो ओपिनियन थी उन्होंने पहुंचाई, पाकिस्तान की यूथ है और लेक्चर टीचर हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरी और जो दूसरी यूथ है, पाकिस्तान की पब्लिक है, हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जलील अहमद। आपका नाम? सैयद अफानुल हक। कलीम। क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। टॉपिक ये है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, पॉलिटिकल क्राइसिस हो या फूड क्राइसिस हो। अब सुनने में ये आया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक बचा है ऑयल का। रशिया से डील करना हम चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे इंडिया ने डील किया, डिस्काउंट के साथ उन्होंने ऑयल लिया है और उसी रेट उसी डील के मुताबिक हम भी रशिया से ऑयल लें। क्या आपको लगता है रशिया अब हमें उस रेट पे ऑयल देगा? रशिया को हमारे पास आने के लिए ना सबसे पहले हम इमरान खान को लाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं ना वो इस टाइम खाने पीने में लगे हुए हैं। ठीक है। वो अपने आप को क्लियर करने आए थे और वो क्लियर करके जा रहे हैं। जिसको बैक एंड पे उन्होंने करना था इमरान खान को, उन्होंने बैक एंड पे कर दिया। नहीं, उसने बोला इमरान खान साहब को आना पड़ेगा। लेट्स सपोज उन्हें आना भी पड़ेगा, जैसे बताया जा रहा है 2 हफ्ते का स्टॉक रह गया, उसके बाद मुश्किल हो सकती है अगर हमने ना ऑयल मंगवाया तो। क्या लगता है 2 हफ्ते में खान साहब आ जाएंगे? 2 हफ्ते में आए ना आए, लेकिन कुछ एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा स्टेप लेना होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को सेव करना होगा। ठीक है। और कुछ ऐसी रूहानी ताकतें हैं पाकिस्तान में अवेलेबल जो पाकिस्तान को बचा लेंगी। क्या कहना चाहेंगे आप, उस टाइम पे हमने डील क्यों नहीं की जब हमें वो खुद ऑफर कर रहे थे 30-40% डिस्काउंट पे ऑयल दे रहे थे? इंडिया पे भी सैंक्शंस लगी अमेरिका की तरफ से, आपको पता होगा। पाकिस्तान को भी कहा गया आप नहीं लो, तो उन्होंने क्यों बात मान ली? क्या वजह, उन्होंने किसी से डरे नहीं? देखिए, हमारा जो मुल्क है ना वो बेसिकली अमेरिका के इस पे चलता है।
अमेरिका जो कहते हैं उसको मानते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं हम जो है अमेरिका हमारा दुश्मन है, एक तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका जो देखें, अगर आप ओवरऑल देखें तो जब से अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है तो हम अमेरिका का साथ देते हुए आ रहे हैं, हम रशिया के अगेंस्ट हैं बिल्कुल। अभी इस दफ़ा हमने रशिया से हाथ मिलाया था ऑयल के लिए, रशिया में गैस और ऑयल दे रहा था डिस्काउंट पर, लेकिन मसला ये था एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो थी उस चीज़ पर एग्रीड नहीं थी और हमारी जो दूसरी जो गवर्नमेंट के लोग हैं एग्रीड नहीं थे उस पर, इसलिए इमरान खान साहब को साइड पर किया गया। अब देखें आगे हमें लाजमी से डील तो करना पड़ेगी। अगर कहा यह जा रहा है मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जैसे इंडिया ऑयल ले रहा है जैसे जिस डिस्काउंट पे वो वहाँ उनके साथ डील कर रहा है उसी डिस्काउंट के साथ हम डील करना चाहेंगे, आपको लगता है जैसे इंडिया को वो अब डील दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं वैसे हमें देंगे? नहीं, इसमें चांस तो नहीं है। अगर रशिया अपना खुद फेवर देना चाहेगा तो उसमें डिस्काउंट हमें दे सकता है, लेकिन नहीं लगता कि रशिया हमारा इस दफ़ा साथ देगा इतना। लेकिन मुश्किल वक्त में तो हम उनके, जब वार स्टार्ट हुई है रशिया यूक्रेन की तब उन्होंने खुद कहा तब हम काम नहीं आए, तब इंडिया ने फ़ायदा उठाया, आप नहीं समझते कि उनकी पॉलिसीज़ हमारे से काफ़ी हद तक बेहतर थी? क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान पे जब रशिया ने हमला किया था तो उस टाइम पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नहीं किया था। अगर वो कोई पुरानी बातों को याद करते हुए करेगा तो अलग बात है, लेकिन उसको फेवर इस जरूरत में देना चाहिए कि पाकिस्तान से कोई उसका मतलब होगा तभी वो फेवर देगा, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मतलब जैसे ये क्राइसिस चल रहे हैं, ये एक बहुत मशहूर बाजार है, बहुत रौनक वाला बाजार होता था, लेकिन आज इसकी जो रौनक है लाइटें ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, ये क्राइसिस कब तक खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे, पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है या फिर कुछ हो? देखिए जब से मैं पैदा हूँ मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, पहले जंग का खदशा होता था, उसके बाद हालात का हुआ, इकोनॉमिकली तौर पर इस दफ़ा हम देख रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। अच्छा, इस दफ़ा मजे की बात जंग वाला हमें चूरा नहीं बेचा, बिल्कुल जंग वाला चूरा नहीं बेचा जा रहा है, हमें जो कहा जा रहा है कि जी लाइट नहीं होगी, आगे जो है बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो उस लिहाज से तो फिर हो सकता है सिविल वॉर या दूसरी तरफ हमें जाना पड़ जाएगा। किसी को हमारे ऊपर अटैक जिस पर हमें डराया जाता था इंडिया कर देगा अमेरिका कर देगा, उन्हें जरूरत अभी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप लड़ेंगे आपस में। इकोनॉमिकली इतना डाउन कर दिया है कि मेरे ख्याल में तो उनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो, जिनकी बेहतर पॉलिसीज़ हैं जो हमारे साथ थे और आज बहुत आगे चले गए। बिल्कुल, हमें इंडिया से सीखना चाहिए, देखें इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली तौर पर वो 5 कंट्रीज़ में यानी ये शुमार होने जा रहा है वर्ल्ड के, हो चुका है टॉप, हो चुका है, और पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो नंबर 1 पर जा रहा है, उस लिहाज से बहुत तरक्की की है, तो हमें इससे सबक लेना चाहिए। वो तो इंडिया ने बहुत कुछ आगे कर लिया, हमें बांग्लादेश से सबक, हमें बांग्लादेश से लेना चाहिए बिल्कुल, वो भी देखें कितना पावरफुल कंट्री हो चुका है इकोनॉमिकली तौर पे, तो हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से सबक लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, हमें ट्रेड भी रिज्यूम करनी चाहिए, रीओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें ट्रेड रीओपन करनी चाहिए, आपके क्या ओपिनियन? बिल्कुल ट्रेड रीओपन करनी चाहिए हमें, अब आप देखें ना बांग्लादेश कहाँ चला गया है, बांग्लादेश इंडिया से अगर ट्रेड कर सकता है बहुत सी चीज़ें ले सकता है तो पाकिस्तान को क्या इशू है, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही थे, इंडिया से हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, उनके रिलेशन बेहतर हो गए, हम अभी तक उसी सोच में अड़े हैं कि भाई नहीं दुश्मन दुश्मन या नहीं, बस ये सियासी हमारा एक बैकग्राउंड है, अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप बिजनेस क्लास से देखें तो हमें डील करनी चाहिए, हमें हर कंट्री से डील करनी चाहिए, जी हाँ, नेबर्स के साथ बिल्कुल रिलेशन बेहतर करने चाहिए, क्योंकि देखें अभी इतना अर्सा हो चुका है, कोई हमने 65 के बाद कोई ऐसी जंग नहीं देखी या 71 के बाद, लेकिन ये इकोनॉमिक तौर पर बिल्डअप करना चाहिए अपने आप को, और हम इकोनॉमिकली तौर पे बिल्डअप होंगे तो हम उस लिहाज से बहुत आगे तरक्की भी करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे अभी। लास्ट में बस ये मुझे बता दें आपके, अगर हम कभी जाते हैं अमेरिका के पास एड के लिए, कभी हम जाते हैं किसी दूसरे मतलब सात समंदर पार एड के लिए जाते हैं, एड की बजाय अगर नेबर के साथ ट्रेड कर लें वो ज़्यादा बेहतर है कि एड ज़्यादा बेहतर है? एड के चक्कर में हम अपना पता नहीं क्या चीज़ गिरवी रखवा देंगे, ऐसे ही है, ट्रेड, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे जी, जिद है वहाँ पे जी, इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं इंडिया से ट्रेड नहीं करें तो हम चाइना से कर लें, ईरान से कर लें, ईरान से क्यों नहीं कर रहे, ईरान से बहुत सारी चीज़ें हैं, ईरान से बहुत सारी डील्स बन सकती हैं, एड के चक्कर में जाएंगे तो हम पता नहीं क्या चीज़ गिरवी रखवाएंगे, तो ट्रेड की तरफ हम जा नहीं रहे, और कुछ लोगों को ये लगता है जी चाइना के साथ बड़ी हमारी ट्रेड हो रही है, आपको शायद नॉलेज होगा कि वहाँ हमारी ट्रेड कम, इम्पोर्ट ही सिर्फ हम कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट नहीं, बिल्कुल हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, चाइना को इम्पोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। आम पब्लिक को क्यों नहीं बताया जाता कि भाई ट्रेड नहीं, वहाँ से सिर्फ चीज़ें हमें वो चाइना बेच रहा है, हमारी उन्होंने एक समझ लें हम मार्केट हैं, मार्केट अब है हम और कुछ भी नहीं, मार्केट क्यों कैप्चर हो चुके हैं चाइना के हाथों, हमारी जो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज थी वो डैमेज हो गई है चाइना की वजह से, बिल्कुल कर दी गई है बेसिकली, जी हाँ।
पे कोई बात नहीं करता, आपको क्या लगता है बेहतरी कैसे आएगी, ये चीज़ें पब्लिक तक कैसे जाएंगी, और मेरा और आपका यानी पब्लिक का क्या रोल है? गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज हम करते हैं, मेरा और आपका क्या रोल है पाकिस्तान को बेहतर करने? पब्लिक को अपने खुद अवेयरनेस लेनी पड़ेगी और उस पर खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम गवर्नमेंट के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग से सीखना चाहिए, नेबर से बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें पॉजिटिव वे में सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद बख्तावर बुखारी है। क्या करते हैं जी? मैं बिजनेसमैन हूं जी। क्या बिजनेस करते हैं? मेरे पास ट्रैवल एजेंसी है अपनी। एजेंसी है। टॉपिक मेरा ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में इस टाइम कौन कौन से क्राइसिस चल रहे हैं तो क्या आंसर करेंगे? सर जी, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं। सबसे पहले आप इकोनॉमिक क्राइसिस देख लें कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक गिर चुकी है, किधर हमारा क्राइसिस पहुंच चुका है। फिर उसके बाद आज की क्राइसिस की अगर आप बात करें तो आज हमारे पास सुबह से लेकर इस टाइम तक हमारे पास बिजली नहीं है, ठीक है। हमारे नेशनल ग्रिड स्टेशन में जो तकनीकी फॉल्ट आया है उसे अभी तक दूर नहीं किया गया, हमारी हुकूमत से वो दूर हो नहीं सकता या हो नहीं पा रहा। अभी हमारे पास बिजली का क्राइसिस चल रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि डॉन की एक न्यूज़ है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक बचा है ऑयल का, फ्यूल का। क्या कहना चाहेंगे? रशिया एक टाइम पे हमें ऑफर कर रहा था, हमें ये बताया गया, कहा गया कि वो 30% डिस्काउंट पर हमें ऑयल देना चाह रहा है, 30-40%। अब वो ये कह रहे हैं कि हम ऑयल अगर देंगे भी तो आपको उसी रेट पर देंगे जो रेट चल रहा है। इंडिया जैसे डिस्काउंट पे ले रहे हैं, हमने तब क्यों नहीं लिया और अब हम इंडिया को कॉपी करना चाह रहे हैं? सर देखें ना, हमारे हुक्मरान जो हैं वो मेरी समझ में तो वो सोए हुए हैं, या उनके अंदर ऐसी सकत नहीं है कि वो मुश्किल हालात में अच्छे फैसले कर सकें। अगर हम उस टाइम पे लेते जिस टाइम पे हमें रशिया डिस्काउंट कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था, या जैसे आज इंडिया को वो दे रहा है, ठीक है, तो हमें फ़ायदा होता, हमारी इकॉनमी भी स्टेबल हो जाती, हमें काफ़ी सारे मामला हमारे अच्छे हो जाते, स्टेबल हो जाती, रिलेशन भी बेहतर हो, बहुत बहुत अच्छी रिलेशन हो जाते। लेकिन आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी से दे कि वो ऐसे मामला में ऐसे मुश्किल फैसले नहीं कर सकते जैसे हमारे इमरान खान साहब ने किए थे। हम मुश्किल अगर किसी पॉलिटिशियन का नाम ना लें, ओवरऑल बात करेंगे, पाकिस्तान मुश्किल फैसले क्यों नहीं कर सकता? इंडिया को भी सैंक्शंस लगाई गई, अमेरिका ने रोकना चाहा कि आप ना ऑयल लें रशिया से, उन्होंने तो फिर भी ऑयल लिया और बड़ी मकदार में लिया, हम क्यों नहीं ले पाए तब? सर ये अच्छे लीडर के अच्छे फैसले होते हैं। जो अच्छा लीडर होता है वो किसी की सैंक्शन को नहीं देखता, किसी की रोक टोक को नहीं देखता, वो अपनी इकॉनमी स्टेबल करने के लिए, अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए वो मुश्किल हालात में एक अच्छा लीडर अच्छे फैसले लेता है। तो अगर इंडिया वालों ने अगर लिया है अपना ऑयल लिया, इसका मतलब फिर उनकी लीडरशिप बेहतर? सर उनकी लीडरशिप हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर एक बड़ा सुपर पावर कंट्री उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है तो उनकी सैंक्शन को नहीं मार रहे, क्यों? कि वो अपने कंट्री को देख रहे हैं, अपनी आवाम को देख रहे हैं, अपनी इकॉनमी को देख रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ का डर है? मतलब उन पे भी पाबंदी लगानी चाहिए लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी डील की, हमें डर किस चीज़ का? मतलब लेट्स सपोज अगर हम उस टाइम पे डिसीजन ले लेते, पब्लिक का भी फायदा था और हमारे रिलेशन भी बेहतर थे, हमें डर किस चीज़ का है? क्या अमेरिका हमें खा जाएगा, क्या करेगा, डॉलर नहीं देगा, क्या बीच में बात क्या है? सर हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, मैं हमें से मुराद अपने सियासतदानों को ले रहा हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान में इन्हें किसी का कोई डर नहीं है, डर है तो हमारी इस गरीब आवाम को डर है, हमारे जैसे तबके को डर है। देखे ना आज फ्यूल इकॉनमी, फ्यूल महंगा होगा तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? आवाम के ऊपर। आज लाइट नहीं है, कारोबार किसके खराब हुए? आवाम के। हमारे सियासतदान हुक्मरान उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मजे की बात बताऊँ, इधर अगर कैमरामैन दिखाइए, वो बाजार है जो लाहौर का मशहूर तरीन बाजार है और कैसे सन्नाटे छाए हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज ग्रो करते हैं। सर देखे ना ये अनारकली लाहौर का मशरूफ तरीन शहर है, मशरूफ तरीन बाजार है, ठीक है, यहाँ पे आमदोरफ्त होती है, लोगों की कारोबार है, लोगों के ताजर हजरात है, रास्ता नहीं होता। आज इसकी वजह क्या है कि आज लाइट नहीं है और जो लोग जो ताजर थोड़े से गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल को फ्यूल को, उनके पास जनरेटर नहीं है, उन्होंने जनरेटर बंद कर दिए, दुकानें बंद करके घर चले गए। अभी ये आप जैसा पीछे देखें किस दुकान में ये भाई हमारे जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं, फ्यूल अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन्होंने ये अपनी दुकान खोली हुई है, इनका कारोबार चल रहा है। इसी तरह ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है हमारा, ये बहुत मुश्किल वक्त आ गया है इस टाइम पर मुल्क में कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह जिसका निकल कैसे सकते हैं, कैसे कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनको अडॉप्ट करके हम आगे बेहतरी की तरफ जा सकें, जो क्राइसिस का सामना कर सकें। मुश्किल वक्त तो नेशंस पे आते हैं, कंट्रीज पे आते हैं, लेकिन उससे निकलना है कि रोना है। सर जी निकलना है, देखिए वो कोई नेशन ही नहीं है, वो कोई कौम ही नहीं है कि जो मुश्किल हालात को फेस ना कर पाए, ठीक है। और ये ऐसी कौमें होती हैं जो मुश्किल हालात को फेस करती हैं, तो आप देखें ना हर अंधेरी रात के बाद एक चांदनी है, एक सवेरा है, ठीक है, रोशन उजाला है, तो हर मामलात के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, तो आप निकलें। दूसरे बहुत बहुत दूर वाले कंट्रीज जाते हैं किसी से हेल्प लेने, किसी से एड लेने, नेबर के साथ हमारी ट्रेड नहीं चल रही। इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, इस्लामिक कंट्री हो
या फिर नॉन इस्लामिक कंट्री हो, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? मतलब अपने हमसाये से अगर हम हेल्प ले लें वो ज़्यादा बेहतर है, या सात समंदर पार जाके हाथ फैलाएं किसी के आगे? सर देखें ना, हमारे ये मामलात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी है, हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, हमारी लीडरशिप अच्छे वक्त में अच्छे फैसले नहीं कर सकती। अगर वो अच्छे फैसले करते तो अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या ईरान इराक हो गया, हमारे सब के साथ अच्छे मामलात होते, हमारी कन्वर्सेशन अच्छी होती, ताल्लुकात अच्छे होते, ठीक है। लेकिन वो उनके साथ जब नहीं खड़े हो सकते, अच्छे फैसले नहीं कर सकते, तो हमारे मामला तो ख़राब होने। हम कहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी ऐसे, इंडिया की पॉलिसी ऐसे, इंडिया की वजह से, मतलब इंडिया हम मतलब हमारा कोशिश ये होती है हर जगह पे उसको नेगेटिव इमेज दिखाया जाए। दूसरी तरफ हमारे ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इमरान खान साहब की बात करें, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडियन की पॉलिसीज़ को ऑयल के मामले में रशिया के साथ। मतलब हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? सर जी देखें, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, जो अच्छा काम होगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ठीक है। सीखना भी चाहिए। सर सीखने की बात है, देखें ना कि इंडिया ने वो फैसला ले लिया, इंडिया को 30% डिस्काउंट मिल गया। 30% डिस्काउंट कोई मामूली चीज़ नहीं है। देखें आप, उनकी इकानमी काफ़ी स्टेबल होगी। इसी तरह अगर हम वो 30% डिस्काउंट को यूज़ करते, हमारी इकानमी भी स्टेबल होती, ठीक है। 30-40 का चल रहा है ना, 30 हो 40 हो, काफ़ी डिस्काउंट है, स्टेबलाइज हो सकता है। अब तो रशिया ने ये कह दिया कि भाई हम नहीं दे सकते आपको डिस्काउंट पे, तो ये बिल्कुल क्लियर कह दिया नहीं दे सकते। और वैसे भी वो कह रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी बहुत से कंट्रीज़ के साथ ऑर्डर चल रहे हैं, हम पहले उनको क्लियर करेंगे, एग्रीमेंट चल रहे हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर रशिया ने ऑयल ना दिया, हमारे पास इतने डॉलर, इतने पैसे मौजूद हैं कि हम कहीं और से ऑयल ले पाएंगे, और दो हफ्तों बाद जो क्राइसिस का कहा जा रहा है उसे हम उसका फेस कर सकेंगे? सर जी देखें ना कि आप वाली बात वही आ जाती है कि हम किसी को नेम लेके उसको हिट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनके पास अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये चाहें तो हो सकता है, लेकिन जो बाहर हमारी इकॉनमी नज़र आ रही है, बाहर हमारे मुल्क की कंडीशन, मुआशी कंडीशन नज़र आ रही है, वो तो ये नहीं है कि हम इसमें स्टेबल हो सकेंगे अगर रशिया हमें सपोर्ट नहीं करता। पहले देखें, रशिया ने 30% डिस्काउंट का बोला, अभी वो डिस्काउंट से हट के वो इस बात पर आ गए कि हमारी बाकी कंट्रीज़ के साथ डील कन्फर्म हो रही है। हाँ, इंडिया को बोल रही है, अगर डील उनकी कन्फर्म हो जाती है, उनके पास जगह नहीं बचती, उनके पास ऑयल नहीं बचता, तो वो हमें किधर से देंगे? फिर हमारा क्या होगा? फ्यूचर क्या देख रहे हैं ऑयल क्राइसिस को लेकर, या ओवरऑल पाकिस्तान इस टाइम अंधेरों में डूबा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मतलब मसरूफ शाह रहा है और कैसे सन्नाटे छाए हैं, क्या बेहतरी कैसे आ सकती है, ये क्राइसिस से कैसे बाहर निकल सकते हैं हम? सर जी, क्राइसिस से बाहर निकलने का सबसे बेहतर हल है कि अपनी लीडरशिप को तब्दील किया जाए, या इस लीडरशिप के अंदर वो हौसला पैदा किया जाए कि ये अच्छे फैसले ले सकें। ये तो मुझे लगता नहीं है कि इनके अंदर वो हौसला पैदा होगा, ठीक है। इसके लिए हमें अपनी लीडरशिप को तब्दील करना होगा। मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी लीडरशिप की है। सर मेरी सर, कोई आपकी कोई जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी हद तक है, जिस हद तक हमारी है आवाम को भी वो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, लेकिन मेन जिम्मेदारी, मेन लीडरशिप वो अपनी लीडरशिप की है। अपने नेबर कंट्री से सीखना चाहिए जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर इंडिया की बात करें, उनकी पॉलिसीज़ को हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो सबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, वो काफ़ी बार अप्रिशिएट कर चुके हैं। हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? सर जी बेशक सीखना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों से हमें सीख मिलेगी कि उसने कल पेट्रोल का मुआहदा कर लिया है रशिया के साथ, 30% डिस्काउंट ले लिया है, हमने नहीं किया, हम बर्बाद होते जा रहे हैं और वो स्टेबल होता जा रहा है। जा रहा है, पांचवीं बड़ी इकानमी बन चुका है, आने वाले टाइम में कहा जा रहा है तीसरी या चौथी भी बड़ी इकानमी बन सकता है। जिस तरह के वो अच्छे फैसले ले रहा है वो स्टेबल हो रहा है और मजीद स्टेबल होगा, और जिस तरह के हम गलत फैसले ले रहे हैं हम उसी तरह मजीद नीचे डाउन जा रहे हैं। इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए या नहीं, ये बताएं। सर इंडिया से हेल्प आप किस जमन में ले सकते हैं? यही मतलब इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ट्रेड खोलेंगे, ट्रेड रिज्यूम करेंगे, तो ये भी हेल्प है। ये नहीं मैं कह रहा कि उन्हें जाके बोलेंगे हमें पैसे दे दो, मैं ये नहीं, ट्रेड को ही रिज्यूम कर देंगे, जो हमारी ट्रेड रुकी है इंडिया के साथ उसको ही हम रीओपन कर देंगे, वो भी एक हेल्प ही होगी। सर देखे ना, ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए थी काफ़ी टाइम पहले, ये चीज़ कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। आज भी अगर हम अच्छा फैसला लेते हैं, अच्छा कदम उठाते हैं, करते हैं, तो हमारे लिए ये बेस्ट है। ये ना कि आज अभी हम बिजली को रो रहे हैं, फ्यूल को रो रहे हैं, कल को हमें टमाटर और आलू पे भी रोना पड़े। सर हालात तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, हमारी माशी हालत तो यही हो रही है, ठीक है, हमें रोना ही पड़ेंगे, ठीक है। आज भी हम रो रहे हैं तो आइंदा भी, आने वाले हफ्तों में भी, अगर अच्छे फैसले ना करें, अगर लीडरशिप को चेंज ना किया गया, मैं नहीं कहता कि अल्लाह ऐसा करे, ठीक है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा शादो आबाद रखे, सलामत रखे, लेकिन अच्छे फैसले नहीं होंगे। चले, अच्छा लगा बात करके। पाकिस्तान की यूथ में ऐसा ऐसा अवेयरनेस आती चली जा रही है, जो कभी इंडिया के नाम पर नफरत पैदा की जाती थी, अब लोगों को समझ आ रही है कि भाई मसाइल अपनी जगह, इशूज़ अपनी जगह, लेकिन ट्रेड को कभी नहीं रोकना चाहिए, हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर।
बेहतर करना चाहिए बेशक। आइए मजीद ट्रेड से हटकर अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छे करेंगे तो आपके ऊपर जंग के खतरात, आपके ऊपर दहशत गर्दी का लेबल, ये सारी चीजें भी खत्म होंगी। ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है सर, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, अखलाकियात में बहुत ज्यादा फायदे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर होगा, इमेज बेहतर होगा, बेशक बेशक ऐसा ही है ऐसे। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने डिसीजन ठीक वक्त पर लेने की जरूरत थी और अभी भी जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।